देश का आधा गन्ना यूपी में पैदा होता है। तकरीबन 50 लाख परिवार और 2 करोड़ वोटर इसके ऊपर आश्रित हैं। 119 चीनी मिले हैं यहाँ पे, जो गन्ने से चीनी बना करके आप तक भेजती हैं। जो चीनी आपके लिए मिठास पैदा करती है मुंह में, उसे बोने वाले किसानों के लिए वो कड़वाहट का सबब बनती है। हम लखीमपुर खीरी में हैं, जिसे गन्ने का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी शुगर मिल्स हैं और ज्यादातर किसान गन्ने की खेती के ऊपर आश्रित हैं। हम यहाँ विक्रम सिंह साहब के खेत में हैं और लोगों से ये जानना चाहेंगे कि गन्ना उत्पादन की क्या समस्याएं हैं, ये कड़वाहट उनके मुंह में क्यों है जबकि वो सबसे मीठी चीज पैदा करते हैं। अभी ऐसा सुन रहे हैं कि पूरे यूपी में 12,000 करोड़ या 12,500 करोड़ का बकाया है किसानों के लिए। आपका कुछ पैसा बाकी है, इस साल का कितना है? इस साल हम लोगों की चीनी मिल 9 नवंबर को चली थी और मात्र अभी 17 नवंबर तक ही पेमेंट हुई है मात्र। उसको परसेंटेज में आप निकाल लीजिए कितनी होगी, पैसे में कितना बाकी होगा। पैसों में हमारा करीब 4.5 लाख रुपया बाकी है और हर पर ट्राली पे हमें लेबर प्लस डीजल प्लस ड्राइवर खर्चा 5,000 रुपए जेब से देने पड़ते हैं। आपका कितना बाकी होगा? हमारा 5 लाख रुपया बाकी है, जो कि मोदी सरकार ने कहा था कि मैं 14 दिन में पेमेंट दिलाऊंगा और अभी तक पेमेंट का इन्होंने कुछ नहीं सोचा है, किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा है। और हमें बच्चों की फीस जमा करनी है, कोर्स लेना है, किसी की दवाई लेनी है और पेमेंट हमें आज तक दिया ही नहीं जाता है। आपका कितना पैसा बाकी होगा? हमारा भी होगा 3-4 लाख रुपए करीब होगा और अभी गन्ना जा भी रहा है, मतलब थोड़ा अब पिछला सब बकाया ही है, अभी मिला नहीं। आपका कुछ बाकी है? हाँ जी हाँ। कितना? 3 लाख है। आपका? हमारा 1 पर्ची बाकी है। आपका? 3 पर्ची बाकी है सर। आपका? 1.5 लाख के आसपास बाकी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर लोगों का पैसा, आपका कितना पैसा बाकी है? ये हमारा लगभग 5 लाख के आसपास बाकी है, अभी कोई पेमेंट ही नहीं है अभी। तो क्या वजह है? सरकार ने पिछली बार कहा था, बीजेपी के संकल्प पत्र में भी था, कि गन्ना किसानों का गन्ना मिल में पहुंचने के 14 दिन के अंदर पूरा पेमेंट हो जाएगा। ये क्या लागू नहीं हो रहा है आपके क्षेत्र में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में नहीं हुआ और इस बार भी नहीं हुआ। इस बार मात्र 17-18 नवम्बर तक ही पेमेंट आई है, इससे आगे कुछ पता नहीं। हमारा अगर एक दिन भी केसीसी लेट हो जाता है हमसे सरचार्ज लिया जाता है, बिजली का बिल हमारा बकाया हुआ सरचार्ज लिया जाता है, बच्चों की फीस लेट हो गई उसका तुरंत सरचार्ज लिया जाता है, लेबर को तुरंत नगद देने पड़ते हैं, डीजल के नगद देने पड़ते हैं। हालात ये हैं कि केसीसी का तो पैसा है ही है, प्राइवेट बाजार के पैसा भी बाकी है। आपका कह रहे हैं कि किसान जो है वो कर्जा लेकर के गन्ना बोता है और गन्ना जो है उधार में जाता है और कई बार साल साल भर, कितना कितना समय लग जाता है पेमेंट आने में अधिकतम? एक साल बाद पेमेंट देते हैं हम लोगों को। हम लोगों को लेबर को भी नगद देना पड़ता है, पूरा काम दवाई डीजल खर्चा पानी जो भी है, इसकी निराई गुड़ाई डीजल का भी जो भी है, इसमें डीजल खर्चा हमारा लगता है, हमें नगद लेना पड़ता है सब। और हमें कुछ पेमेंट नहीं दिया जाता है बिल्कुल भी ना। कितनी मुश्किल हो जाती है अगर एक एक साल उधारी हो जाए तो, इससे कितनी दिक्कत होती है? सर बहुत बड़ी दिक्कत है। पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि एक साल की ये फसल है, एक साल में हम इसको पैदा करते हैं, फिर एक साल तो हमको इसकी पेमेंट नहीं मिलती है। तो आप ये सोचिए कि हमें 2 साल के बाद ही इस मतलब गन्ने की फसल में कोई पैसा देखने को मिलता है, अगर कोई सरकार दिलवा दे या दे दे तो। अभी जैसे चुनाव आ रहे हैं और किसानों की इस क्षेत्र के सबसे बड़ी जो समस्या है ये बहुत अरसे से गन्ने की है कि उसका भुगतान सही टाइम पे नहीं होता। आप पैसा लगाते हैं उसके ऊपर ब्याज देते हैं लेकिन जो पैसा आपका बकाया होता है वो आपको नहीं मिलता, उसके ऊपर कुछ ब्याज देने का भी कुछ बीच में नियम बना था, कहीं आया था ऐसी कोई बात है, ब्याज मिलता है? नहीं, केन एक्ट में तो है कि अगर आपका भुगतान 15 दिन के बाद होगा तो आपको 12% का ब्याज दिया जाएगा, लेकिन आज तक कभी दिया नहीं गया। लिया तो हमसे गया है, 4 की जगह हमारा 7 हो गया, 7 की जगह 12 हो गया, 12 की जगह अगर सहकारी समितियों का पैसा है तो कई बार उसमें 10% अलग से जुड़ता है, पेनाल्टी जुड़ती है, लेकिन इसमें कभी भी एक पैसा पूरा नहीं, मतलब ब्याज नहीं मिला कभी आज तक। एक चीज जानना चाहते हैं कि अभी चुनाव होने वाला है, देखिए यूपी देश का आधा गन्ना बोता है, 50 लाख परिवार इसके ऊपर निर्भर हैं, 2 करोड़ वोटर हैं तकरीबन या उससे भी ज्यादा हैं गन्ना बोने वाले परिवारों में,
ये मुद्दा आपके यहाँ कोई चुनाव का मुद्दा है या नहीं है? नहीं, चुनाव का मुद्दा कम ही बनता है। चुनाव आने पे सारी पार्टियों का कुछ ऐसा रुख रुझान पब्लिक का होता है, जातिगत आधार पे वोट बढ़ जाता है, किसान का मुद्दा कभी बनता ही नहीं। अच्छा, कोई किसान यूनियन वगैरह इसके लिए आंदोलन करते हैं? इस बात का क्या प्रयास होता है कि जो किसान की समस्या है जाति धर्म के बजाय वो मुद्दा बने? नहीं, इसका तो मुद्दा तो हम लोगों को तो बस पेमेंट चाहिए, सरकार कैसे भी पेमेंट हमें दिलवाए। हमें वादा के 14 दिन का वादा किया था मोदी सरकार ने, और हमें में पेमेंट तब भी आज भी हमें साल बाद ही मिल रही है। 5 साल इनकी सरकार को हो गया, हमें पेमेंट 14 दिन के बाद इन्होंने दिलवाई ही नहीं है। 14 दिन में भी दे देते तो भला था, लगभग 1 साल बाद हमें ये पेमेंट दिलवा रहे हैं। आप बताइए, जब आपके यहाँ कोई वोट मांगने आता है, आप गन्ने की समस्या उठाते हैं, उससे कहते हैं कि पेमेंट, क्या जनता कहती है कि पेमेंट समय पे दिलाओगे तब वोट देंगे या नहीं कहती? हम तो कहते हैं जब भुगतान नहीं कराते वोट नहीं देंगे। लेकिन ज्यादातर वोट जो है किसके ऊपर पड़ता है? विकास के ऊपर, जिसने काम किया उसके ऊपर, या जाति धर्म पे पड़ जाता है? नहीं, विकास के ऊपर पड़ेगा। विकास के ऊपर पड़ता तो जन सरकार काम करती ना आपका। आपको क्या लगता है कि जो आपका मुद्दा है गन्ने का, ये ज्यादातर लोग उस पर निर्भर हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, ये चुनाव में मुद्दा बनता है या नेता जाति धर्म को इतना भड़का देते हैं उसी पे वोट पड़ जाता है? उस समय आके ऐसा होता है कि पार्टियों के अलग अलग प्रत्याशी आके ये कर देंगे वो कर देंगे, 15 दिन में दिलवा देंगे, 10 दिन में दिलवा देंगे, उसके बाद वो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। हम लोग भी पब्लिक कुछ जात धर्म पे पड़ जाती है, कुछ इधर उधर हो जाती है, उस समय पता लगता नहीं, बाद में कहते यार वो ऐसा नहीं हुआ, मिल नहीं रहा, इस तरीके की बातें होती हैं। अभी कई जगह लोग आंदोलन चला रहे हैं, नोटा के लिए भी चला रहे हैं कि उस पे करेंगे, वैसे क्या कोई किसान मूवमेंट इधर मजबूत नहीं है जो इस मुद्दे को इतने बड़े पैमाने पे उठाए कि सरकारें आपके लिए काम करें और दबाव डालें चीनी मिलों पे? नहीं, असल में इस क्षेत्र में, लखीमपुर क्षेत्र में खास करके, कोई किसान यूनियन इस तरीके की है ही नहीं। पश्चिम में मुद्दा उठता है, पश्चिम के लोग ही दबाव बनाते हैं, उसी का जो असर इधर मिल जाए तो मिल जाए, इधर कोई आंदोलन इस तरीके का होता ही नहीं है, ना कुछ इस तरीके के अभी रुझान नजर ही आ रहे हैं। तो अभी जो नेता वगैरह आ रहे हैं, कोई उनसे कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? जी सर, हम तो उनसे यही मांग करेंगे कि आप जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें दिलवाएं। वो हमेशा के लिए कहेंगे, हमेशा की तरह की जल्दी दिलवाएंगे? सर, हमेशा के लिए नहीं, इस बार जरूर दिलवाते हैं, क्योंकि हमेशा तो हम लोगों ने उनको देख ही लिया है। इलेक्शन में यही होगा, हाँ जी आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर वही ढाक के 3 पाक, इलेक्शन के बाद कोई वापस नहीं आता है, बस इधर दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा विक्रम सिंह साहब के गन्ने के खेत में बहुत तरह के किसान जमा हैं, छोटे बड़े, कुछ पीछे मजदूर भी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादातर लोगों को जो इनका पेमेंट है वो 70% से लेकर 90% तक नहीं मिला है, और ये उधार लेकर के खेती करते हैं, और जो उधार लेते हैं उसके ऊपर ब्याज देते हैं। तो ये गन्ने की मिठास जो पैदा करते हैं उसके पीछे छुपी हुई ये कड़वाहट है। लखीमपुर खीरी में कैमरामैन राजेश गुप्ता और प्रतीक के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।